जय हिंद दोस्तों, हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी एकेडमी की तरफ से यह साइंस की श्रृंखला क्लास 10th की है, जिसमें आज हमें आपकी आंखों के बारे में पढ़ना है, जिसमें चैप्टर है हमारा 11 और नाम है द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार या रंग बिरंगा दुनिया। यही हमारा अध्याय है और इसी में आज हमारा अध्ययन भी होगा। उससे पहले कहता है, मानव ये आंख एक कैमरे के समान है, यानी जो आपका आंख है वह कैमरे के समान है जो ईश्वर की तरह सब कुछ देख लेता है। जैसे कहा, अ ह्यूमन आईज रिजेंबल अ कैमरा, इट इज अ स्फेरिकल बॉल, इट इज अ स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, बॉल ऑफ डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो सेंटीमीटर है इसका 2.3 सेंटीमीटर का है, ये जो देखते हैं ना इसको। ठीक है, आगे देखिए, सम इसेंशियल पार्ट्स भी कुछ होते हैं। अब भाई इतना बड़ा जो थैली है, इसके बिना कुछ नहीं है, सब अंधेरा है। गौर कीजिएगा, ये जो आपका आंख है, अगर एक बार आप ब्लाइंड होकर के देखिए, एक बार आंख बंद कीजिए, उसके नीचे आपको केवल अंधेरा दिखाई देता है। लगता है कि हमारी जिंदगी बस अंधेरा में ढकेल दी गई है। तो जो ये अंधेरा है, जो ढकेल दिया गया है, इसके अंदर भी, जैसे अब आंख खोल लीजिए, खोलने के बाद देखते हैं कि अब उजाला आ गया, आपके जीवन में उजाला ही उजाला आ गया। तो उस उजाला के पीछे इतने सारे कारण छुपे हुए हैं, जिनके कारण आपकी आंखों में उजाला आता है। जैसे कॉर्निया है, आयरिस है, पिपिल्स है, आई लेंस है, और सिलेरी मसल्स है, और रेटिना है, और ऑप्टिक नर्व्स है, ब्लाइंड स्पॉट्स है, रॉड्स है। बाप रे बाप, इतना सारा दुर्घटना आपकी आंखों में है। मतलब इन सारी चीजों का समायोजन होकर के और सारे चीज आपस में मिल करके एक आपके सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं, जिससे आप रंग बिरंगे चीजों को देखते हैं। देखते हैं ना, रोड पर भी देख लेते हैं कभी कभी, ये रंग बिरंगा ही तो है कि जिसको आप संसार को देखते रहते हैं। देखिए, हमारी चर्चा हो रही है, अब हम कॉर्निया यानी सम इसेंशियल पार्ट्स में कॉर्निया को शामिल करते हैं, जिसको स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, थीन या पतला होता है और आर पार दिखता है या फ्रंट पे होता है, और मेम्ब्रेन्स ऑफ आई थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई एंड गेट ट्रांस क्या है ग्रे सॉरी एंड गेट्स रिफ्रैक्टेड, और यह अपवर्तित होता है। जैसे आंख बंद कीजिए, इसको खोलिए, लाइट आया। इसी चीज को कहा, यह कॉर्निया के अंदर जब लाइट प्रवेश करा तो यह मेम्ब्रेन्स एक झिल्ली नुमा होती है, मेम्ब्रेन्स का मतलब झिल्ली होता है, और यह मेम्ब्रेन्स ऑफ आई थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई एंड गेट्स रिफ्रैक्टेड, और लाइट को रिफ्रेक्टेड करता है। रिफ्रेक्टेड कब करता है, देखिएगा, जैसे हमने देखा था कि एक मिरर है, इधर से एक लाइट पड़ती है, रिफ्रेक्ट हुई थी, रिफ्रेक्टेड देखा था हमने, रिफ्रेक्ट देखा था, या रिफ्रेक्ट हुई है, जब इधर होती है तो रिफ्लेक्स होती है, वह क्या होती है, उसको रिटर्निंग भेजती है। उसके बाद यह पहली घटना हो गई। दूसरी उसके बाद होती है आयरिस यानी परितारिका। क्या होता है, एक डार्क मस्कुलर बनता है, एक डार्क मस्कुलर बनता है डाइफ्रगम डेट कंट्रोल द साइज ऑफ पिपल्स, और यह साइज ऑफ पिपल्स की उसके कंट्रोल करने का काम करता है। फिर देखा, ये पिपल्स क्या होते हैं यानी पुतली, तो ये पुतली स्मॉल होल इन द आयरिस अपीयर, जो आयरिस है उसमें अपेयर होता है, जिसमें कहता है, जो हम देखते हैं इसमें कहता है कि परितारिका एक यह गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, और यह पुतली, ठीक है, यह पुतली के आकार को नियंत्रित करने के लिए होता है। तो उसी चीज को कहा, स्मॉल होल इन द आयरिस अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज द रिफ्लेक्टेड, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं किया फ्रॉम इट। यहां से फिर देखना क्या कहा, पीपल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ अ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, अब देखिए आई लेंस क्या होता है, जिसको आंखों का लेंस कहते हैं। थोड़े कि बाहर से हम लेंस लगाएंगे तो होगा नहीं, अंदर भी ईश्वर ने कुछ लेंस दिया है,
सब लेंस के अंदर का पार्ट ही पड़ रहा है। इसमें क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी क्रिस्टलाइन लेंस मेड अप ऑफ फाइबर से, जेली से, लाइक मटेरियल्स कन्वेक्स इन नेचर, इनसे यह मेड हुआ है। ठीक है, अब सिलरी मस्कल क्या होते हैं, यह पक्षाभी पेशियां होती है, इट होल्ड्स एंड होल्ड्स द लेंस एंड कैन मॉडिफाई द लेंस कर्वेचर, और यह क्या करता है, होल्ड करता है लेंस को, और यह क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है लेंस कर्वेचर को। कर्वेचर क्या बीच ऑफ सेंटर होता है, यही कर्वेचर होता है, उसको क्या कर सकता है, कर्वेचर को मॉडिफाई कर सकता है व्हेन द मस्कुलर कंट्रोल्स द फोकल लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिक्रीज ऑन द अदर हैंड व्हेन दे एक्सपेंड रिलैक्सेस, रिलैक्स जो आपको मिलते हैं, उसके बाद दे एग्जर्टेड इनवर्ड्स प्रेशर्स ऑन द आई लेंस एंड इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, या जो आपकी देखने की क्षमता है उसको कम, ज्यादा दूरी और कम दूरी को जो आगे बताया गया है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखना, फिर रेटिना क्या होता है, दृष्टि पटल कहता है, इट इज अ स्क्रीन इन द आई, उसके बाद डेलिकेट्स मेम्ब्रेन्स विथ लॉट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स, दिस सेल्स गेट एक्टिवेटेड ऑन एल्यूमिनेशंस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यह एक तरह से क्या किया, जो हमारा रेटिना है, अगर हम बात करते हैं, जो हमारा रेटिना है यह आंख में एक स्क्रीन नुमा है और नाजुक झिल्ली जिसमें बहुत सारी प्रकाश संवेदनशील कोशिका होती है जिन्हें छड़ और शंकु कहा जाता है, ये कोशिकाएं रोशनी पर सक्रिय हो जाती है, जो लाइट होती है उस पर एक्टिव हो जाती है और विद्युत संकेत उत्पन्न करती है जिससे आपके अंदर मस्तिष्क के अंदर पता चलता है कि क्या क्या घटना है। जैसे आप अचानक लाइट कट गई, अचानक लाइट, तो आपको एक इंफॉर्मेशन तो चाहिए, वही इंफॉर्मेशन पास करने का काम करती है। ठीक है, आगे देखना, रेटिना देखा हमने, अब ऑप्टिक नर्व देखते हैं, ये क्या होता है, ऑप्टिक नर्व तंत्रिका जो होती है, नर्व जो होता है, इसमें दृक तंत्रिका, इसमें क्या होता है, इट इज अ नर्व कनेक्टिव आईज, और ये आपके आई और ब्रेन से, या आपके आई और ब्रेन से यह कनेक्शन होता है, इट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ब्रेन, और यही सिग्नल भेजने के काम जो अभी कहा, यह ब्रेन में सिग्नल भेजने का काम करता है, उसी चीज को कहता है ऑप्टिक तंत्रिका, और यह आंख और मस्तिष्क को जोड़ने वाली तंत्रिका है, यह मस्तिष्क को विद्युत संकेत भेजती है। ठीक है, आगे देखिएगा, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, अस्पष्ट जगत, इसमें है द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व इंटर्स द आई बॉल, इट इज द एरिया ऑन द रेटिना विच डज नॉट हैव अ लाइट सेंसिटिव सेल्स रॉड्स एंड कोन्स शो इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दिस स्पॉट देन नो सिग्नल इन सेंड टू ब्रेन, और यह कोई सिग्नल नहीं भेजता है, एंड एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट इज नॉट विजुअल टू द आईज, जो ब्लाइंड स्पॉट है इसमें क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लाइंड स्पॉट की बात करते हैं तो यह ब्लाइंड स्पॉट वह बिंदु है जहां ऑप्टिकल तंत्रिका नेत्र गोलक में प्रवेश करती है, यह रेटिना पर वह क्षेत्र है जिनमें प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं छड़ एवं शंकु नहीं होती है, अतः यदि इस स्थान पर प्रतिबिंब बनता है तो मस्तिष्क को कोई संकेत नहीं भेजा जाता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट से कोई संकेत नहीं भेजा जाता है, ऑप्टिक नर्व से संकेत भेजा जाता है, आई और ब्रेन से कनेक्ट होता है, अभी बताया, बिल्कुल बताया। चलिए, क्या होता है, यह रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसके ऊपर यह रिस्पॉन्स होता है, इनेबल टू सी इन डिम लाइट, फिर कैन नॉट डिस्टिंग्विश वेरियस कलर्स,
इसमें देखिएगा रोड वाले में क्या कहा कि प्रकाश की तीव्रता पर प्रक्रियाएं करें, इसका काम है कम रोशनी में देखने में सक्षम बनाता है रोड्स जो होता है जिसके कारण से, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, यह विभिन्न रंगों में भेद नहीं कर सकता। जैसे देखिएगा सपोर्ट डेट, लाइट बंद कीजिए, सपोर्ट डेट दिखा रहे हैं, देखिए यह लाइट बंद हो गई। यह रोड का काम है कि यह डीम लाइट में भी आपको देखने योग्य बनाता है, इट्स रीजन टू रोड्स, ठीक है। यह रोड्स का काम है कि आपको देखने योग्य बनाता है। आगे देखिए, अब है शंकु जिसको कोन्स कहते हैं। इसमें कहता है रिस्पॉन्ड टू कलर, मतलब यह रंग का जवाबदेह है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। बिकम एक्टिव इन द ब्राइट लाइट, और यह ब्राइट लाइट में मतलब तेज रोशनी में भी सक्रिय हो जाते हैं। और उसके बाद कहा जो भी लाइट बंद करके लाइट ऑन किया वो समझो उसमें एक्टिव हो जाता है। फिर कहा कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस कलर, और यह इसमें कहा कि विभिन्न रंगों के बीच यह भेद कर सकते हैं, ठीक है। में कि यह फिगर क्या है, जस्ट लाइक योर आई, यह आपकी आंख है, माना गोल है, आपकी भी गोल है, यह गोल है जिसमें यह खुलता है और ये जुड़ल है, ये जुड़ल है इससे और ये खुल रहा है। आगे का जो पलक बंद खोल कीजिए, तो खोलिए जल्दी बंद कीजिए, हाँ अब खुला, ये मुंह खुल गया। अब हम मुंह जो खुल गया इसमें क्या हुआ, एक्वेस ह्यूमर्स, यह नेत्रोदय होता है। पिपली होती है ना जी, ऐसे जो गोल गोल चलता है अंदर वाला, जो नचाते हैं कभी कभी किसी को दिखा करके, वही चल रहा है। और आयरिस क्या, इसके आगे वाला जो होता है यानी परितारिका होता है। और कहा कि यह एक दूसरे को कंट्रोल करने का भी काम करता है, कहा इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पिपल, और पिपल की साइज को यह आइरिस कंट्रोल करने का काम करा, कहा। तो फिर आगे देखिए ना, तो इसी तरह से यह क्या हुआ, कोन बने, हाँ इसमें कॉर्निया बना यानी स्वच्छ मंडल नुमा यहाँ पे बनता है जो साइड में इधर जो होता है ए वाला। सो फिर देखिए क्या किया उसके बाद, बैट्रियस ह्यूमर्स यानी कचाप द्रव हुआ यह जो इस साइड से जो देखते हैं आप उसको। फिर कहा रेटिना है किस तरह से, फिर उसके बाद दृष्टि पटल कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, उसके बाद क्लियर, हाँ उसके बाद सिलियरी, क्या बोलते हैं इसको, हाँ सिलियरी मसल्स बोलते हैं, यानी यानी पक्षाभि पेशिका होता है। यह सारे पार्ट आपके आंखों के अंदर देखने को मिलता है, और जिससे आप एक स्वच्छ जीवन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे स्वच्छ आप मतलब कहने का मतलब है कि आप एक ऐसे जीवन को देख सकते हैं जिनकी आपने कल्पना की है। सपोर्ट के देखिए, सपोर्ट डेट, अगर आपके पास आंख नहीं है तो आप एक ब्लाइंड नुमा है, आप कुछ देख नहीं सकते हैं। मन की आंख से कब तक देखिएगा, मन की आंख से कब तक देखिएगा, दोनों आंख चाहिए ना, ब्राइट भी देखिएगा डीम भी देखिएगा, तब जाके फायदा होगा ना। चलिए अब पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या होता है। इसमें कहता है कि द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी फार एंड नियर ऑब्जेक्ट बाय द एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इट अकर्स थ्रू फॉलोइंग मैकेनिज्म, यानी आप इसके माध्यम से पावर ऑफ एकोमोडेशन के माध्यम से दूर और पास की चीजों को आराम से एडजस्ट करके देखने का काम करते हैं, ठीक है। हाँ वस्तुओं को सही तरीके से देखने की क्षमता आप में होती है, और इसमें निम्नलिखित तंत्रों के माध्यम से, जैसे इसमें है रिलैक्सेशंस ऑफ सिलियरी मसल्स, इसमें पक्षाभि पेशिका शिथिल होने यानी लेंस बिकम दिस फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ इंक्रीज वन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब इसमें कहा कि पक्षाभि पेशिका का शिथिलन यानी लेंस पतल को पतला हो जाता है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं इसके माध्यम से, रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी, ठीक है। आगे देखिएगा उसके बाद है कंट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स या पक्षाभि पेशिकों का संकुचन, इसमें लेंस बिकम थिक और फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ डिक्रीज वन ऑफ सी वन कैन सी
नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें आप नजदीक की वस्तुओं को जैसे प्रच्छावी पेशिका का संकुचन लेंस मोटा हो जाता है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और कोई निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है इसके माध्यम से, इसके यानी कंस्ट्रक्शंस ऑफ सेलेरिटी सेलेरिटी के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर कहता है अस्पष्ट, इसके बाद कहता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन्स द नियर पॉइंट, यानी अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी निकट बिंदु। इसमें क्या हुआ, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन फॉर नॉर्मल विजन्स इन यंग एडल्ट 25 सेंटीमीटर। मतलब आप नॉर्मल विजन जो आपकी होती है वह 25 सेंटीमीटर से अगर नजदीक से देखेगा तो आपको धुंधला दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर पर नॉर्मल आपका मिनिमम, कम से कम 25 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस होना चाहिए बुक कॉपी के बीच में या किसी भी वस्तु के बीच में, तब आपको वह क्लियरिटी दिखाई देती है। ठीक है, जिसमें स्पर्श दृष्टि को न्यूनतम दूरी निकट बिंदु, न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तुओं को बिना तनाव के सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वह युवक वयस्क के सामान्य आंख नेत्र की दूरी होती है, कम से कम 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। फिर उसके बाद कहता है कि द फार पॉइंट, दूरी दूर बिंदु, द फारेस्ट, हाँ द फारेस्ट पॉइंट फॉर नॉर्मल विजन इट इज एट इन्फिनिटी अप टू बीच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब इसमें क्या कहा, दूर बिंदु, सबसे दूर बिंदु सामान्य दृष्टि के लिए या अंत अंत पर है तक जिसे आंख वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है, मतलब उतना दूरी जिसको आंख स्पष्ट देख सकती है। और आगे देखिए फिर क्या कहता है, इस परसिस्टेंस ऑफ अ विजन, दृष्टि की दृढ़ता, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना रिमेन्स फॉर अबाउट 1/10 ऑफ सेकेंड एंड इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसमें कहा कि दृष्टि की दृढ़ता रेटिना पर बनने वाली छवि 1 सेकेंड में लगभग 1/10वें हिस्से तक बनी रहती है और इसे दृष्टि की दृढ़ता कहा जाता है। मतलब वो दृढ़ होकर के एक से एक, मतलब 1 सेकेंड का 10वां भाग हुआ अपने आंखों पर, रेटिना पर जो बना हुआ पटल रहता है उसको संभाल करके रखती है कुछ सेकेंड, मतलब वही 10वां भाग सेकेंड का। आगे देखिए फिर क्या कहता है, उसके बाद इसी में कहा, सीक्वेंस ऑफ शोइंग 24 इमेजेस और मोर पर सेकेंड अपीयर टू बी इन मोशन। जिसमें कहा कि प्रति सेकेंड 24 छवियों या अधिक दिखने का क्रम गतिमान प्रति होती है, गतिमान प्रतीत होती है। मतलब क्या कहा, सीक्वेंस ऑफ शोइंग 24 इमेज, मतलब 24 इमेज और मोर पर सेकेंड 1 सेकेंड में अपेयर टू बी इन मोशन, गति में आप इतना देख सकते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में आप इतना वस्तु को देख सकते हैं, जैसे आप खड़े होकर 1 सेकेंड में देखिएगा तो आपके आगे जितने भी लोग बैठे रहेंगे या जितने चेयर रखे हैं उन सबको आप देख सकते हैं 1 सेकेंड के अंदर में, वही चीज कहता है मोर देन। आगे उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर कनेक्ट कॉरेक्शन, या क्या होता है, यह कुछ बीमारी है जो जिसके कारण यह होती है और यह बीमारियां मानव के नेत्रों के कारण होती है, जिसको हम कुछ नाम दे रखे हैं। नेत्रों में, नेत्रों के कारण कहना उचित नहीं होगा, मतलब नेत्रों में होने वाली बीमारी या आपके खान पान से संबंधित होती है, जो प्रॉपर वे में डाइट आप नहीं ले पाते हैं जिसके कारण से, और कुछ बच्चों के जन्मजात भी होती है यह बीमारियां, जैसे कुछ जेनेटिक मिलती है माता पिता से मिलती है या कुछ ऐसे मिलते हैं, और कुछ यहाँ पनपने के बाद ज्यादा अगर अपनी पढ़ाई वगैरह से या किसी अन्य माध्यम से उनकी आँख खराब भी होती है। आपका कैसे हुआ है, कंचा खेल के? चलिए आगे बढ़िएगा, देखिए क्या कहता है, यह क्या है, यह है मायोपिया है, हाइपर, उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया है और हाँ प्रेस बायमायोपिया है। यह क्या होता है, यह सिम्टम होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, उसके बाद कारण क्या क्या हो सकते हैं और सुधार करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, हम इन सब पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब जिसमें कहा दूर नहीं देख सकता, पास नहीं देख सकता, ऐसा बेहुदा मायोपिया में जो अंधरा हो गया है, न दूर देखेगा न नजदीक देखेगा। देखिए आगे क्या कहता है,
इमेज इज फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और इमेज क्या बनती है वहां पे, कहता है छवि रेटिना में, छवि बनती है और सामने बनती है और रेटिना के पीछे, तो यह उसके बनने का कारण होता है। यह हाइपर क्या है, हाइपर मेओपिया मेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपर मेट्रोपिया में होता है कि कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, हम नियर वाले चीजों को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। फिर क्या कहा, इमेज इज फ्रॉम फ्रॉम्ड बिहाइंड रेटिना, और रेटिना के पीछे यहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। अब इसी जगह पे उसके बाद प्रेसबायोमायोपिया में पावर ऑफ एकोमोडेशन इंक्रीज विद अगेन, अब इसमें इसका क्या होता है, जो पावर होता है यानी आवाज की शक्ति, यानी उम्र बढ़ने के साथ यह क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण से आपको ये भी दिखाई नहीं देता है। अब कॉजेज क्या होते हैं, ड्यू टू थिकनिंग्स ऑफ लेंस, ड्यू टू थिकनिंग्स ऑफ लेंस, जिसके कारण से कहा कि मोटापन के कारण आंखों का लेंस पतला हो जाता है, और क्रमिक होने के कारण यह लेंस का जो है आंखों की पुतली लंबी हो सकती है, और इसके कारण आंख की जो लेंस होती है वो थिकनेस पतली हो, जिसके कारण से आई वॉल में भी इलोंगेटेड हो जाता है और यह लंबी हो जाती है। उसके बाद क्या है, इसका जो हाइपोमेट्रोपिया है इसमें क्या कहता है, आई लेंस में भी थिनर पतली हो जाती है, आई लेंस पतली हो जाती है और आई बॉल में भी स्मॉल, आई बॉल छोटा हो जाता है। ये तीनों बीमारियां हैं, और इसमें क्या कहता है, ड्यू टू द ग्रेजुअल्स बिकनिंग्स ऑफ द क्लियरिटी मसल्स कैन बी, उसके बाद इसके सॉरी इसके देखिएगा, इसके बाद करेक्शन में सुधार करने के लिए अगर कह सकते हैं, यह अवसाद इसमें जो इस केस में दृष्टि सुधार के लिए कीजिएगा, यूज ऑफ अ कॉनकेव लेंस, और हम इसमें अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, या कॉनकेव का मतलब आपने देखा था अवतल लेंस होते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, और विथ द एप्रोप्रिशिएट फोकल लेंस, ठीक है, जो आपके आंखों के हिसाब से होगा। अब इसमें हाइपरमेट्रोपिया में यूज ऑफ अ कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस, इसमें आप उत्तल लेंस का यूज कर सकते हैं, अप्रोप्रिशिएट फोकल लेंस जो आपकी आंखों के हिसाब से जितनी लेंस की जरूरत है। फिर कैन बी कॉरेक्टेड बाय द यूजिंग बाई फोकल लेंस, आप इसको बाई फोकल लेंस के माध्यम से यानी बाई फोकल लेंस का उपयोग करना आपके लिए बढ़िया होगा, मायोपिया कॉनकेव, और यह सारे अलग अलग है, ठीक है, इतने आपकी बीमारी से संबंधित है और है या सिम्टम वगैरह हमने देख लिया। अब उससे संबंधित जो फोकल आप देखिएगा उसमें जो फिगर बनते हैं उसको भी जरा देख लेते हैं। चलिए चलिए इसमें हम क्या देखते हैं, देखते हैं कि माइओपिया आई करेक्शन फॉर माइओपिया विद कनकेव लेंस, हम कनकेव लेंस के साथ उसको कैसे करेक्ट करते हैं, जैसे देखते हैं यह लेंस लगा करके फॉर पॉइंट ऑफ माइओपिया आई, यह पॉइंट ऑफ मायोपिया आई है, इसके लिए जो हम लेंस का यूज करते हैं देखिएगा, और यह है मायोपिया आई, ठीक है, उसके लिए जो करते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, देखिएगा आगे देखिएगा, यह है हमारा, यह है सी करेक्शन फॉर मायोपिया ए एंड बी, द मायोपिया आई एंड करेक्शन फॉर मायोपिया विथ कनकेव लेंस, यानी कनकेव लेंस के माध्यम से हम इसको जो मायोपिया आपको जो बताया था इससे पहले, जो हमने बताया था जिसमें बताया था कि जो मायोपिया होता है, उसके बाद हमने इसमें तीन बीमारियों के बारे में देखा था, उन तीनों बीमारियों के बारे में किस तरह से लेंस के यूज के साथ हम उसको सही कर सकते हैं उसके बारे में, जिसमें सिम्टम्स देखा था, कॉज देखा था, करेक्शन देखा था, मायोपिया देखा था, हाइपोमेट्रोपिया देखा था और प्रेस बायोमायोपिया देखा था, तीन देखा था उसके लिए। अब इन नीचे वाले को देखते हैं, इसमें कहता है हाइपर, देख लीजिए हाइपरट्रोपिया आई करेक्शन विद द कनकेव लेंस के साथ, कन्वेक्स लेंस के साथ, या उत्तल लेंस या अवतल लेंस के साथ किस तरह से उसको हम करते हैं, या फिगर उसको डिनोट करता है, ठीक है, ए भी बी उसी चीज को करता है। आगे देखिएगा कैटरेक्ट या क्या होता है, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि कैटरेटिया जिसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि जैसे शाम के समय आपकी विजुअलिटी कम जाती है, आपकी देखने की क्षमता कम जाती है, इसके लिए विटामिन ए वगैरह की गोली खाने से यह ठीक होती है, इसी चीज को कहता है कैटरेक्ट द
क्राइस्टलीन लेंस ऑफ सम ओल्ड पीपल बिकम्स हैज, यानी धुंधलापन, इससे धुंधला हो जाता है, और इवन ऑपिक्यू ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स ओवर इट विच लीड्स टू द लॉस ऑफ विजन ऑफ आई, देखने की क्षमता हमारी खत्म हो जाती है. इट कैन बी कॉरेक्टेड बाय द सर्जरी, और उसके लिए हमको सर्जरी करवाना, ऊपर जो पतली जम जाती है परत, उस परत को हटाने के लिए मशीन द्वारा होती है, पहले तो हाथों से की जाती थी और एक साथ दोनों नहीं होती है, एक कर दिया फिर उसके कुछ दिनों बाद दोबारा दूसरी आंखों का किया जाता है. आगे देखिएगा, यह कभी कभी बच्चों में भी देखने को मिलता है, लेकिन खान पान सही से, हरे साग सब्जी वगैरह इन सब चीज़ों से भी यह काबू में आ जाता है, नहीं तो ज़्यादा बड़े होने पर पक जाने के बाद, पकते हैं वो भी, पकते हैं घाव की तरह, फिर उसके बाद उसका सर्जरी करके उसको हटाना पड़ता है. यह क्या है, डिस्पर्सन, हाँ डिस्पर्सन ऑफ अ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म पर किस तरह से वह लाइट, जो देखिए जिसमें क्या करता है, प्रिज्म हैज ए टू ट्रेंगुलर बेस, टू ट्रेंगुलर बेस, आगे देखते हैं, टू ट्रेंगुलर बेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, द सरफेस आर्ट द एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस इज द कॉल्ड द एंगल ऑफ अ प्रिज्म, इसी को कहते हैं. ध्यान दीजिएगा, यह ए बी सी एक ट्रेंगल है, सपोर्टेड एक ट्रेंगल है. अब इस पर जो बनने वाले, जैसे कहा कि प्रिज्म हैज अ टू ट्रेंगल, अब इसमें टू ट्रेंगल की बात करता है, अब ध्यान दीजिए इसमें टू ट्रेंगल की बात कर रहा है, जब दो ट्रेंगल की बात कर रहा है, एक ट्रेंगल तो आपको ऐसे दिख रहा है, ये पूरा होल ऑफ एक ट्रेंगल है, ध्यान दीजिएगा, यह पूरा अगर बात करते हैं तो एक ट्रेंगल है, और ये पूरा में दो पार्ट करते हैं, एक और एक बात करते हैं, एक हाफ में केवल हुआ एक, और पूरे को ले लिए तो दो हो गया, तो दो यहां पर ट्रेंगल की बात करता है. तो कहता है ट्रेंगुलर बेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर, अब तीन, कहता है तीन रेक्टेंगल की बात करता है, एक तो आप देख रहे हैं, दूसरा हाफ में ऐसे देख रहे हैं, यह रेक्टेंगुलर बन रहे हैं साइड, और एक रेक्टेंगुलर इसको बन रहा है, तो यह हमारा रेक्टेंगुलर है, जिसमें कहता है कि लेटरल सर्फेस में द सर्फेस आर इंक्लाइंड, हाँ इंक्लाइंड टू ईच अदर, जिसमें कहा द एंगल बिटवीन टू लेटरल सर्फेस, दो लेटरल सर्फेस के बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी टू लेटरल सर्फेस के बीच में एंगल का निर्माण हो रहा है, यही जो एंगल बन रहा है इसी को कहता है, ठीक है, इसी को कहा एंगल बिटवीन टू लेटरल सर्फेस इज द कॉल्ड द एंगल ऑफ अ प्रिज्म, इसी को एंगल ऑफ द प्रिज्म हम कहते हैं, जो दो लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल, लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है. देखिए कैसे बना, अब इसको जो देखते हैं पीई, जरा पी को ढूंढो और ई को देखो, पी है यहाँ पे और एक हो गया ई यहाँ पे, यह जो बना इंसिडेंट रह गया, यह इंसिडेंट रह गया, उसके बाद ई और एफ देखो, जरा रिफ्रेक्टेड रे, तो यह रिफ्रेक्ट कर रही है, एक दूसरे से रिफ्रेक्ट कर रही है उसी चीज को, फिर कहा एफ एस, तो एफ देखो और एस देखो, एफ और एस, यह क्या कर रही है इमर्ज रे, एक ही पे है, इमर्ज कर रही है यहाँ पे, इमर्ज रे कह रही है, फिर देखना यहाँ पे एंगल ए, एंगल ए देख रहे हो, एंगल ऑफ द प्रिज्म, यही एंगल ऑफ द प्रिज्म है, ध्यान देना, फिर एंगल ए हुआ, फिर एंगल आई, अब एल आई, एंगल आई देखो यहाँ पे, जिसमें कहा एंगल ऑफ द इंसिडेंट्स, आगे देखना एंगल आर, एंगल आर देखते हैं, जिसमें कहता है एंगल ऑफ द रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन हो रही है, उसके बाद देखना एंगल ई, ई देखना एंगल ई, जिसमें कह रहा है एंगल ऑफ द इमर्ज, वही इमर्ज यहाँ पे कह रहा है, यहाँ देखो इमर्ज हो रही है, यहाँ पे देखना, फिर कहता है एंगल डी, अब एंगल डी देखते हैं, एंगल डी क्या हो रहा है, यह एंगल ऑफ द डेविएशन हो रहा है, डेविएशन, डेविएशन यहाँ पे हो रहा है, एंगल ऑफ द डेविएशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इसी चीज को कहता है, इसको क्या कहा, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ठीक है. आगे देखना इसमें क्या है, इंसिडेंट रे, क्या कहा, इंसिडेंट रे अगर बात करते हैं, यहां पे है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इंटर प्रिज्म, इंसिडेंट रे इंटर प्रिज्म, प्रिज्म सतह के अंदर प्रवेश करी, प्रवेश करने के बाद क्या करा भैया, कहा गेट रिफ्रेक्टेड इज द बेंड्स थ्रू द नॉर्मल, और यह बेंड हो गया मतलब मुड़ गया नॉर्मल, एंड व्हेन इट मूव्स आउट ऑफ द प्रिज्म,
मूव्स आउट ऑफ द प्रिज्म की तरफ, वो मुड़ गया। मुड़ने के बाद क्या कहा, इट नाउ बेंड अवे, फिर वो बेंड हो गया, फिर वह बेंड हो गया। बेंड होने का मतलब बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और बेंड होकर वह नॉर्मल चला गया, बेंड होकर वह फिर नीचे चला गया। आगे देखिए फिर क्या कहता है, अब कहा द पेकुलियर, हाँ पेकुलियर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। का दिस एंगल फ्रॉम डी द कॉल्ड द एंगल डेविएशन, डेरिवेशन, ठीक है, एंगल, एंगल डेविएशन, यही इसको हम एंगल डेविएशन बोले, ठीक है। अब डिस्पर्सन क्या होता है, यह होता है द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स ड्यू टू अ डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी फॉर कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड द डिस्पर्सन, ठीक है। जिसमें क्या कहा, यह डिस्पर्सन का काम क्या होता है, इसको कहा कि द स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट्स ड्यू टू द डिफरेंट, और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कलर वगैरह जो आप देखते हैं कलर डिफरेंट होते हैं। उसके बाद बेंडिंग एबिलिटी फॉर द कलर, उसके बाद जो सीधी लाइन निकली या व्हाइट रे निकली, और यह बेंडिंग करने के बाद डिफरेंट कलर में हुआ। लिस्ट में अगर सबसे टॉप पर देखते हैं तो रेड देखते हैं, लाल हो देखते हैं, और सबसे नीचे वायलेट देखते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वी विव ग्योर, विवग्योर होता है, वी आई वी जी वाई ओ आर, विवग्योर होता है। तो यही इसका ग्लास प्रिज्म पे ऐसा ही होता है, और जब अब बारिश होती है तो आप देखते हैं कि रेनबो का निर्माण होता है, ठीक है। इसी तरह से डिस्पर्सन ऑफ अ लाइट हुआ, ठीक है। आगे देखिएगा फिर कहता है स्पेक्ट्रम क्या बनता है। स्पेक्ट्रम की अगर बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम क्या हुआ कि द, यही स्पेक्ट्रम बना है, ठीक है। क्या हुआ स्पेक्ट्रम में, द बैंड ऑफ सेवन कलर्स ऑब्टेंड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, आपने देखा एक व्हाइट रे निकली, और इस रे को निकलने के बाद यह लाइट आगे जाकर के जब प्रिज्म की सतह से टकराती है, टकराने के बाद वह नीचे बेंड हो, बेंड हुई, बेंड होने के बाद फिर वह नीचे जब आती है, जब उस चीज को यहाँ पे हमने देखा था इसमें, इस केस में जब हुआ था, तो बेंड होकर जब नीचे आती है तो वह सात रंगों में यहाँ पे होती है, जिसमें आपने देखा, और सातों रंग क्या होता है, व्हाइट रंग होता है, सातों कलर क्या होता है, व्हाइट ही होता है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा फिर कहता है रिकम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम टू गिव व्हाइट लाइट, ठीक है। गिव हमको क्या मिला, यहाँ हुआ क्या देखा, रिकम्बिनेशन मतलब बहुत सारी चीजों का रिकम्बाइंड हुआ। रिकम्बाइंड होने के बाद क्या हुआ, कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम उसको हम क्या कहते हैं, गिव अ व्हाइट लाइट। कहा सर आइजेक न्यूटन साहब ने क्या किया, प्लेस्ड सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन, प्रिज्म इन एंड मतलब एक प्रिज्म था दूसरे लिए आइजेक न्यूटन साहब ने, एंड पोजिशन with respect to the first prism, respect to the first prism and the allow to the spectrum, allow to the spectrum जो अभी हुआ है, spectrum to the pass through the second prism and the found that I beam, a beam of the white emerged from the other side of the second prism. मतलब यह दो प्रिज्मों के बीच में आइजेक न्यूटन साहब ने इसको गुजार करके देखा, मतलब उसको पास करवाया, तो देखा कि यह किस तरह से रेड रेड बना, ऊपर उठा तो भी रेड बना, और फिर नीचे क्या, तो वही चीज इसमें भी बनता है जो ऊपर वाले में बना, तो व्हाइट, बाद में वह पास होकर के क्या बना, स्पेक्ट्रम जो स्क्रीन बना हुआ व्हाइट लाइट यहाँ पे बनता है, ठीक है। देखिएगा रेनबो वाले में देखते हैं, रेनबो फॉर्मेशन में देखते हैं तो किस तरह से यहाँ पे आप देखिए जो रेनबो फॉर्मेशन होते हैं, व्हाइट रे किस तरह से जाकर के यह अंदर में ही जो प्रिज्म होती है उसमें रेन ड्रॉप जो होता है, जब वर्षा की जब होती है, जब एटमोस्फेयर जो होता है बारिश होने के बाद भी कुछ अपने पास बूंदों को इकट्ठा करके रखती है, ना कि पूरी खत्म हो जाती है, नहीं, तो उसी तरफ से यहाँ जो इसका प्रिज्म है, और इस प्रिज्म पे टकराने के बाद फिर वह इधर जो रिफ्लेक्ट होती है, और यहाँ पे उसी चीज को जब आपने पहली बार इससे पहले वाले पीटर में जो देखा था कि रेड वायलेट यहाँ पे सबसे ऊपर हाई अली जो आपने लिस्ट में देखा था रेड को, और मिनिमम में आपने देखा था जो मिनिमम में वायलेट को आपने देखा था, तो उसी चीज को इसमें क्या कहता है, कहता है रेनबो इंफॉर्मेशन, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम दैट इज अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेन शावर, जब वर्षा होती है उसके बाद आपको दिखाई देता है। फिर देखिए क्या कहता है, कहता है द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर बिहेव्स एज अ ग्लास प्रिज्म एंड हिंस स्प्लिट लाइट इंटू इट्स कंस्टिट्यूएंट सेवन कलर्स विग्वियर, जिसको आप विग्वियर के माध्यम से इधर देखते हैं, ठीक है।
अब यह क्या होता है, यह स्टार वाला देखिए, यह भी घटना क्या होती है कि जब ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार होता है, द लाइट ऑफ ए स्टार वेन इंटर्स अर्थ, जब उसकी प्रकाश जो होती है अर्थ के अंदर जब प्रवेश करती है, तो फिर वहां पे आपको देखने को मिलता है कि जो वायुमंडल है अंडर गोज रिफ्रैक्शन कर देती है, उसको रिफ्रैक्शन करती है। देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है, यह क्या है पाथ, रे ऑफ पाथ है जिससे रोशनी उससे गुजर रही है। फिर कहता है द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एज द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंजर मीडियम, डेंसर मीडियम, सो पोजिशन ऑफ ए स्टार स्टॉपर्ड इन द स्काई द डिफरेंट फ्रॉम इट द एक्चुअल पोजिशन, डिफरेंट फॉर्म में होता है। अब इसी तरह से यह फिगर उसको डिनोट करता है। आगे देखिएगा इसमें क्या कहता है, यह एडवांस सनराइज एंड द डिलेड सनसेट का है, ठीक है। इसमें देखिएगा इसको, जिसमें कहा कि सन इज द विजुअल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल, जब सन जब सूर्योदय जब होता है उससे 2 मिनट पहले वो आपको दिखाई दे देता है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल सनराइज एंड द, जब बिहार वगैरह में छठ होती है तो 2 मिनट पहले वो आपको लाल पूरा दिखाई दे देता है छठ के समय में, नवंबर वगैरह जो भी अक्टूबर नवंबर के महीने में जब भी हो जाए, तो पहले 2 मिनट पहले उसको विजुअलाइज आपको पूरा रेड, उसके बाद वो 2 मिनट बाद जाकर के पूरी अपनी परिकल्पना दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखने को एग्जाम्पल के तौर पर सनराइज एंड द अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक रिएक्शन के कारण ऐसा होता है, जो सामने आपको ऑब्जर्व देखिए क्या कहा है इसमें, अपेरेंट पोजिशंस ऑफ द सन, देख लीजिएगा यह सन है और ये जोन रेखा जब इस पे होती है 2 मिनट का फर्क होता है पहले यह आपको दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस तरह से, फिर आप देख लीजिए कहता है स्केटरिंग ऑफ अ लाइट, कहता है व्हेन सनलाइट एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ और द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब एंड द री इमिट द लाइट इन द ऑल डायरेक्शन और द प्रोसेस ऑफ अ नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बोलते हैं, जिसमें पूरे गैस वगैरह वायुमंडल में आप जानते हैं उसके कारण से ऐसा होता है। फिर देखिए टिंडल इफेक्ट क्या हुआ, तो टिंडल इफेक्ट के बारे में आपने देखा था कि बंद कमरे में अगर प्रकाश आती है और जो लाइट आती है थोड़ी सी भी, तो उसमें कुछ छोटे छोटे धूल के कण पार्टिकल्स वगैरह दिखते हैं, वही टिंडल इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। तो यह कक्षा आपकी फिर एक और है, सॉरी, कहा स्काई अपीयर्स ब्लैक व्हेन देयर इज नो एटमॉस्फेयर स्पेस द स्कैटरिंग डज नॉट टेक प्लेस। तो यह कक्षा आपकी समाप्त होती है, अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।